आज हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नोटेबल सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट तीस्ता सीतलवाद मौजूद हैं। तीस्ता सीतलवाद ने गुजरात राइट विक्टिम्स के लिए एक रिहैबिलिटेशन और सेटलमेंट का काम किया है और उन्होंने जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ पिटिशन भी दायर किया। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्हें लाइफ टाइम मेम्बरशिप स्टूडेंट्स यूनियन ने दिया है। स्टूडेंट्स यूनियन की जो मेंबरशिप की फहरिस्त है उसमें गांधी जी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिना, नेहरू, मदर ट्रेसा और इन सारे तमाम लोगों के बाद आज तीस्ता सीतलवाद का भी नाम इस फहरिस्त में जुड़ चुका है। तो सबसे पहले तीस्ता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पहले एक जर्नलिस्ट थीं, फिर उसके बाद आप एक्टिविस्ट बन गई, तो ये ट्रांजिशन क्यों हुआ, कैसे हुआ? देखिए, वक्त के तकाजे में कुछ चीज़ें हो जाती हैं। एक देश का माहौल था उस वक्त जो आज और भी गहरा है, 1986 और 1992 के बीच में मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे सांप्रदायिक ताकत तो उभर के आ रही थी और हमने देखा कि ऑन द बिल्ड अप टू द डेमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद, जिस तरह कम्युनलिज्म पूरी तरह स्टेट और सोसाइटी पे हावी था। बाबरी मस्जिद को गिराया गया 6 दिसंबर को और उसके बाद हमारा शहर बम्बई जिस तरह बुरी तरह जला है पूरे दिसंबर 92 में और फिर जनवरी 93 में, उस वक्त हम मेनस्ट्रीम पत्रकारिता में थे और हमारे साथी और पार्टनर जावेद आनंद संडे ऑब्जर्वर में थे, मैं बिजनेस इंडिया में थी। और करते करते हमें लगा कहीं ना कहीं मेनस्ट्रीम मीडिया की खामियां नज़र आई कि वो सिर्फ सेंसेशन और इवेंट्स से मतलब रखते हैं, प्रोसेस से नहीं। बिल्डअप जो होता है कॉन्फ्लिक्ट का, कम्युनल वायलेंस का, अफवाह पैदा करना, नफ़रत पैदा करना, और फॉलआउट जो होता है उससे मतलब नहीं रखती। तो वो रियलाइजेशन के बाद हमने सोचा कि हमारी एक टैलेंट है वो पत्रकारिता है, तो क्यों नहीं हम उसी को एक नीश जर्नल में डालें। इसलिए कम्युनलिज्म कॉम्बैट वॉज बॉर्न इन ऑगस्ट 93 एंड इट वॉज पब्लिश्ड अन इंटरप्टेडली फॉर 23 ईयर्स टिल नवम्बर 2012। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है सबरंग इंडिया, उसके ऊपर कई सारे एलिगेशन लगे और एक फॉर्ड फाउंडेशन से उन्होंने कहा कि FCRA के तहत ये अप्रूव नहीं हुआ था, उसके ऊपर CBI और अलग अलग आपको काफ़ी परेशान किया गया फंड्स को लेके, तो उस पर आपका क्या रिस्पांस है? नहीं देखिए, मैं उसका रिस्पांस यही है जो हमने कोर्ट में कम से कम 20,000 पन्ने में हमने हमारा रिस्पॉन्स दिया हुआ है। और अफसोस है कि आज की पत्रकारिता में वो रिगर नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स पढ़े और सिर्फ इल्ज़ाम को लेकर वो दोहराती रहती है मगर वो रिस्पांस हमारा नहीं पड़ती। उसके लिए हम इतना ही कहेंगे कि ये सरकार आने के बाद 2014 के बाद तकरीबन 4,000 ऑर्गेनाइजेशंस के FCRA कैंसिल हुए हैं, मगर मुझे नहीं लगता आपने 4,000 लोगों से ये सवाल किया, आपने सिर्फ हमें किया, क्योंकि सिर्फ हम सुर्खियां में आते हैं और हम सुर्खियां में इसलिए आते हैं क्योंकि हम सरकार के नज़र पे हैं, क्योंकि हमने इस तरह का काम किया है गुजरात जनसंहार को लेकर, जिसमें आज भी ज़किया जाफरी के केस के लेकर प्रधानमंत्री खुद करघरे में है। तो अगर ये सवाल आप करेंगे सबसे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक नज़रिया है ये सरकार की कि मानवाधिकार पर लड़ने वाले लोग उनको FCRA ना मिले। बहुत सारे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के भी FCRA कैंसिल हुए हैं मगर हम उनसे ज़्यादा हम लोग कंसर्न नहीं रहते। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के FCRA गए हैं। और तकलीफ़ की बात यह है कि हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में अगर हम लोग लग जाए तो शायद हमको पता चले कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग अब RSS ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जा रही है और इसका मतलब है और शिशु मंदिर और एकल विद्यालय और नफ़रत फैलाने का काम। तो ये एक मंशा रहा है ये सरकार का कि जो निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है जो सांविधानिक रूप से मानवाधिकार पे काम कर रहे हैं उनका आप कहीं ना कहीं फंडिंग को चोक कर दें। और दोनों बड़ी पार्टियां BJP और कांग्रेस ने साथ में मिलके अपने आप के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए FCRA का रास्ता साफ कर दिया है। तो ये एक दौर है जिसके ऊपर पत्रकारिता का भी एक बहुत बड़ा हाथ है कि इल्ज़ाम सिर्फ इल्ज़ाम रहते हैं और इल्ज़ाम के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन फेयर पत्रकार भी नहीं कर रहा है। जितने भी जो राइट विंग के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जनरली ब्राह्मणिकल हेजेमनी को वो प्रमोट करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो फुट सोल्जर्स होते हैं, फुट सोल्जर्स में ज़्यादातर दलित होते हैं, उनको भी कन्विक्ट किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, तो जो ब्राह्मणिकल हेजेमनी में उनका जो इस्तेमाल किया जा रहा है बार बार इस स्ट्रक्चर को, एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आप हैं तो आप इसको कैसे इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकती हैं आप हमें? देखिए, इसमें बहुत एक गहरी समझ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम फिरका परस्त ताकतें, दंगा और कौमवाद को देखते हैं तो एक इसके पीछे एक 150-150
200 साल का इतिहास है और इस 150-200 साल के इतिहास में हमने अलग अलग टाइप का कम्युनलिज्म देखा है. हमने मेजॉरिटी कम्युनलिज्म भी देखा और माइनॉरिटी कम्युनलिज्म भी देखा है और इसके बीच में हमने ये भी देखा जिसके बारे में आपने जिक्र की कि जहाँ पे मेजॉरिटेरियन हिंदुत्व बेस्ड कम्युनलिज्म होता है वहाँ पे ज़रूर आदिवासी और दलित का इस्तेमाल होता है. मगर हमने ये भी देखा है कि जहाँ पे नॉर्मल जैसे कि कभी कभी बहुजन दलित मुस्लिम एकता की बात होती है तो मुसलमान तबके में भी बहुत सारे कास्टिस्ट फीलिंग्स आ जाते हैं और वो आसानी से दलित भाई बहनों के साथ न बैठ सकते हैं न उठ सकते हैं. तो ये बहुत ही गहरा मुद्दा है और अगर हमको ब्राह्मणिकल फोर्सेस के खिलाफ वाकई मोर्चा मजबूत खड़ा करना है, जैसे हम मानते हैं बहुजन, ये देश के ज़्यादा लोग बहुजन हैं जो बहुजन विचारधारा और संस्कृति से जुड़े हुए हैं. मुसलमान तबके में भी पासमंदा मुसलमान अपने आप को जो कहता है वो मानता है कि वो पूरे मुसलमान इतिहास से वंचित है. तो ये बहुत सारे ब्राह्मणवाद की सोच, ऐसा नहीं कि मुसलमान के अंदर भी नहीं है, है, मतलब वो वही ब्राह्मणिकल सोच और वो पासमंदा मुसलमान उसी को टैकल करने की कोशिश कर रहा है. तो इसको, इसके बारे में समझ बनाने के लिए बहुत गहरी पढ़ाई की ज़रूरत है, बहुत गहरी और मैच्योर समझ की ज़रूरत है. चूँकि आप जर्नलिज्म से वाबस्ता रही हैं और इस मौजूदा सरकार में आपने देखा कि जिस मीडिया के नैरेटिव्स को जो है पर्टिकुलरली गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ठीक है, ऐसे वक्त में जो एथिकल जर्नलिज्म का स्पेस है इसको आपके हिसाब से, चूँकि आप जर्नलिस्ट रही हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इसको कैसे रिक्लेम किया जा सकता है, कुछ मेजर्स आप बता सकती हैं हमें? नहीं देखिए, एक तो बहुत ही अफसोस की बात है कि अगर हमारे कोर्ट को आप पकड़ लीजिए या प्रेस काउंसिल को पकड़ लीजिए या नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी को पकड़ लीजिए जिस विच इज़ सपोज टू रेगुलेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे सब इंस्टीट्यूशंस बहुत ही वीकेंड किए जा रहे हैं और हमारे इंस्टीट्यूशंस चाहे कितने भी हम बना चुके ये ढांचे मगर ये ढांचे अपना काम नहीं करते. फॉर इंस्टेंस, ये एक दौर था 1980s और 90s तक और यहाँ पे अलीगढ़ में रहने वाले, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में रहने वाले पहचान रहेंगे कि उस वक्त इतना कम्युनल राइटिंग प्रिंट मीडिया में उस वक्त भी था, मतलब ब्लेटेंटली कम्युनल राइटिंग. उसके ऊपर प्रेस काउंसिल में कंप्लेंट भी हुई, काफ़ी कंप्लेंट, प्रेस काउंसिल के रिपोर्ट भी निकले, मगर वो अखबार, चाहे वो आज हो, उस वक्त आज था और दैनिक जागरण था, उनके ऊपर कुछ आँच नहीं लगी, कोई फर्क नहीं पड़ा. हालांकि इंस्टीट्यूशनल उनको तो कुछ मतलब उनका पुल अप हुआ प्रेस काउंसिल के ज़रिए. तो अगर प्रेस काउंसिल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप हम और नागरिक ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये रिपीट होता जाएगा. आज आपके पास नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है विच इज़ सपोज टू रेगुलेट हेट टेलीकास्ट ऑन टेलीविज़न, मगर आज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी अगर कोई भी मुद्दे को लेकर, कासगंज हो या कोई भी मुद्दे को लेकर, अगर कोई टेलीविज़न चैनल को कुछ भी रेप्रीमांड करती है तो वो चैनल सिर्फ अपने आप को विड्रॉ कर लेता है कि हम अभी उनके आपके अंडर नहीं हैं. पूरी मनमानी के साथ ये प्राइवेट चैनल्स जो है, जो अपने आप को वो एक्चुअली कमर्शियल चैनल्स है, वो नेशनल चैनल्स है ही नहीं, पूरे कमर्शियल चैनल्स है, कॉर्पोरेट दुनिया के साथ उनका कॉर्पोरेट स्पॉन्सर है. तो आज हमें सवाल ये करना चाहिए कि अगर हमें जिम्मेदारी वाली पत्रकारिता चाहिए तो वी हैव टू टॉक अबाउट स्ट्रेंथनिंग आवर इंस्टीट्यूशंस दैट कैन मॉनिटर द मीडिया और उसमें सबको हिस्सा लेना पड़ेगा और सबको ये इंस्टीट्यूशन मजबूत बनने में कदम उठाने पड़ेगा. पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं कंट्री के अंदर उनको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है और ख़ास करके यूनिवर्सिटीज़ को पर्टिकुलरली टारगेट किया गया है, चाहे वो JNU हो, HCU हो, FTII हो, AMU हो, इनको पर्टिकुलरली टारगेट कर रही है डिस्पेंसेशन रेगुलर वे में. ऐसे में आप स्टूडेंट्स के बीच भी जाती रही हैं, आप JNU भी गई और दीगर यूनिवर्सिटीज़, आज आप AMU में भी कई बार आ चुके हैं, तो एज सच मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप के हिसाब से जो स्टूडेंट्स का या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका रोल कंटेम्प्रेरी इंडिया में क्या होना चाहिए? देखिए, यूनिवर्सिटी, वेदर यू लुक एट व्हाट जवाहरलाल नेहरू सेड और जाकिर हुसैन सेड, यूनिवर्सिटी इज़ अ प्लेस वेयर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो, मतलब जो आप आने वाले आप नागरिक वहाँ पे पैदा करते हैं. तो वहाँ पे सवाल होने चाहिए, बहस होनी चाहिए, अलग अलग सोच विचारधारा पे चर्चा होनी चाहिए और अगर हम इस तरह का क्लाइमेट हमारे यूनिवर्सिटीज़ में इनकरेज नहीं करेंगे तो आप कल की नागरिकता के ऊपर ही एक धब्बा डाल रहे हैं.
तो आई बिलीव दैट द यूनिवर्सिटीज़, मतलब आप हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को ही देख लीजिए, वो भी मतलब रातों रात अच्छी नहीं बनी. आप अगर JNU एक एग्जाम्पल बन के हमारे सामने हैं, आज अभी भी HCU और जादवपुर में वहाँ पहुँचने के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि वहाँ के टीचर्स यूनियन ने बहुत बड़ा संघर्ष चलाया ताकि वो टीचर्स यूनियन के ज़रिए वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, और चाहे वो OBC तबका हो, दलित तबका हो, मुसलमान तबका को सीट मिलाने का काम बहुत ही संघर्ष के बाद वहाँ पे मिला. तो क्वालिटी हायर एजुकेशन विच इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ताकि हर तबके को वो मिले, वो संघर्ष के बाद ही मिल सकता है, वो सिर्फ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट बनाने के बाद नहीं मिल सकता. मगर आज जो गए 2.5-3 सालों से JNU के ऊपर एक हमला बोला गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर हमला बोला गया, गौहाटी, श्रीनगर, पौंडीचेरी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हर जगह इस तरह के हमले बोले गए. ये तो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार की विचारधारा है. वो नहीं चाहता है कि कोई नौजवान कोई सवाल पूछे. वो सवाल से डरते हैं, वो बहस से डरते हैं, वो चाहते हैं कि बस लोग एक मिलिट्राइज्ड दिमाग से चले, बिना सवाल किए और बिना कोई संघर्ष चलाए. अभी इसके ऊपर हमें अपने आप को भी एक सवाल करना पड़ेगा कि हम हर यूनिवर्सिटी में सवाल पूछने की क्षमता पैदा करना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि अगर हम नहीं चाहेंगे तो कहीं ना कहीं नौजवान एक दिन ये अपने हाथ में बात ले लेगा. बहुत बहुत शुक्रिया तीस्ता हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए. हमारी बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारे साथ आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.